नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संगम टीवी। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। देखेंगे इस समय हमीरपुर जनपद में मौजूद हैं जो कलेक्ट्रेट में हैं, और देखेंगे आप भरुआ सुमेरपुर से जो नवनिर्वाचित चेयरमैन हैं धीरेन्द्र उर्फ धीरू सीवर हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं कस्बे के तमाम लोगों के द्वारा धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है, जो आज ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया है। कहीं ना कहीं FIR करने के संबंध में और जांच करने के संबंध में भरुआ सुमेरपुर के तमाम लगभग आधा दर्जन समाज सेवियों के द्वारा ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की गई है, जिसमें यह भी दर्शाया गया है कि किस तमाम प्रकार की धोखाधड़ी भी उसमें शामिल की गई है और गलत तरीके से जो है कुछ कार्य करने को लेकर के भी उसमें दर्शाया गया है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। जिलाधिकारी महोदय के पास आज हम सभी लोग कुछ सभासद हैं और कुछ समाज सेवी तमाम और लोग हैं। राजेश शिवहरे, उनके दोनों पुत्र कूट रचित दस्तावेज तैयार करके फर्जी संस्थाएं करके स्कूल खड़ा करना, नाबालिग होते हुए फर्जी जमीनें खरीदना हरजनों की, उनके अधिकारों का हनन करना और फर्जी शनाब, जबकि धीरेन्द्र और ऐसर शनाब गोबरा होना चाहिए, तो धीरेन्द्र ऐसर शनाब राजेश शिवरे लिख के फर्जी नामांकन पत्र पे नाम डाल के चुनाव जीते। इस सपक्ष में हम DM साहब के पास आए थे। DM साहब ने एक समिति बना दी है, उसके तहत जांच करेगी, फिर जैसा होगा। धीरेन्द्र शिवरे तो वर्तमान चेयरमैन है सुमेरपुर से, और वैभव चौधरी जो इसका छोटा भाई है धीरेन्द्र शिवरे का, वो इलाहाबाद में हरजन कोटे से समीक्षा अधिकारी है, हरजन का पूरा लाभ ले रहे हैं, उनके नाम से जमीनें खरीद रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, और तमाम अगर जांच का विषय है जब DM साहब कराएंगे तो उनको बहुत जानकारियां मिलेंगी। क्या मामला है? ये सुमेरपुर के जो नगर पंचायत के वर्तमान चेयरमैन हैं धीरेन्द्र शिवहरे, पुत्र जो है राजेश शिवहरे, उनसे संबंधित, उनके स्कूलों से संबंधित, उनके जमीनों से संबंधित ज्ञापन हमने जो है DM साहब को सौंपा है कि जो जांच का विषय है और जो उनके ऊपर आरोप हैं या जो उनके साक्ष्य दिए वो गंभीर हैं। किस तरह के मामले हैं उनके जो आप लोगों ने DM को साक्ष्य दिए हैं? उनके उन्होंने अपने कूट रचित दस्तावेज तैयार करके अपने दोनों पुत्रों को जो है एडाप्टेशन किया हुआ है, जो मेरे हिसाब से गंभीर अपराध है, वो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरा विषय है ये कि जब आप नाबालिग हो, नाबालिग रहते हुए आप किस तरह से प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, गवर्नमेंट के जो राजस्व का बाइलाज है उस बाइलाज पे जो है ऐसे प्रावधान ही कोई जमीन जो है बालिग रहते हुए खरीद सकता है, नाबालिग रहते हुए बतौर संरक्षक जमीन खरीद सकता है, ना कि अपने को वो मानते हुए कि बालिग जमीन खरीदी जाए। भाई उन्होंने अपने एक पुत्र को, जो छोटे पुत्र को वैभव चौधरी बना के सामने लाए, पुत्र दुर्गा प्रसाद जो कि काल्पनिक व्यक्ति है, उस नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, ना कभी रहा है, ना उसका कोई रिकॉर्ड है। आन रिकॉर्ड अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसका रिकॉर्ड होगा, उसका मकान होगा, उसका घर होगा, उसका कहीं ना कहीं ब्यौरा मिलेगा, जो कहीं सुमेरपुर में नहीं है, ना जो जांच के विषय की बताया जाएगा कि कहाँ है ये, कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता, ये भी एक विषय है। तो हमने उसको भी अवगत कराया कि ये जाँच का विषय है। एक अपने पुत्र को उन्होंने SC दिया, एक अपने पुत्र को उन्होंने ST को दिया, यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, तो दो तरह का। तो एक जो है, मान लीजिए आप वो विषय है कि आप दोनों को जांच करवाइए और जांच करवा के उसका ये पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।